क्वेश्चन में कहता है हेड ऑफिस मुंबई हैज अ ब्रांच इन दिल्ली, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय, गुड्स जब इनवॉइस हो जाए ना तो जो गुड्स भेजा जा रहा है ना दैट इज आपका सेलिंग प्राइस पे है। क्या कहता है? गुड्स इनवॉइस, तो गुड्स जो भेजा गया है वो सेलिंग प्राइस पे है, और सेलिंग प्राइस टू एचओ बाय द एचओ एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी सर हम कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट मार्जिन रख रहे हैं? 25%, और आपको दिया जा रहा है सेलिंग प्राइस। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको परसेंटेज या प्रॉफिट निकालना होगा तो एक लेट एक्स करके निकालना होगा। बेटर है कि लेट एक्स करने से बेटर है कि हमने जो ये टेबल देखा हुआ है, कॉस्ट के ऊपर 25 है तो सेल्स पे कितना होगा? 20। हर जगह पे जो 25 दे रखा है, 25 दिमाग से इरेज करके हर जगह पे हम कहाँ कहाँ क्या क्या अप्लाई कर देंगे, 20%। अगर आपको लगता है सर ये 20% तो रट्टा फिकेशन हो गया, तो लेट एक्स करके हर किसी पे आप सॉल्व कर लीजिए, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। आगे कहता है ये, आगे कहता है ब्रांच अकाउंट द बुक्स हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है सर, और ओपनिंग डेटर भी गिवन है, आपको पता है ब्रांच अकाउंट के अंदर आता है ये। अब मजे की बात है कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो है ये ओ आईपी पे है या नॉर्मल है, ये हमें आगे बताएगा। गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई ये दे रखा है, तो आगे कहता है कैश सेल्स आपको गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर गिवन है, गुड्स रिटर्न टू एचओ गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम आपका फॉर एक्सपेंस 14,500, स्टॉक एट द एंड गिवन है, डेटर एट द एंड गिवन है, ठीक है, ये सारी जानकारी गिवन है। तो बड़ी सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में इसने कह दिया कि हम जो भी सामान भेजते हैं ना वो किस पे भेजते हैं? हम इनवॉइस प्राइस पे, यानी हमने सामान भेजा सेलिंग प्राइस पे। तो अब देखिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, जो डेटर पहले बनाते थे ना वही अकाउंट हम फिर से बना लेंगे। अब आप मुझे सोच के बताइए, मैं कमेंट जितने अकाउंट बना लेता हूं, आप मुझे सोच के बताइए क्या आपको लगता है डेटर अकाउंट यहां बनाना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैंने बताया था डेटर अकाउंट के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है बस, मेनली एक कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, दूसरा क्लोजिंग डेटर। अगर दोनों सवाल के अंदर गीवन है तब तो सर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। चेक करिए आप, बताइए इसको ढूंढ के, दोनों सवाल में गीवन है क्या? दोनों है, तो ये पर्टिकुलर निकाल, ये ब्रांच, ये क्या है हमारा ब्रांच, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं हम, टू ओपनिंग क्या क्या है बताओ? स्टॉक है, कितने का स्टॉक? 12,500। डेटर 12,000, और बताइए बच्चों ने बता दिया सर डेटर अकाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, और बताइए आप यहां पे देखिए ना क्या एसेट्स है, एसेट्स तो दो ही है क्या? फर्निश, अच्छा दिख नहीं रही है, ठीक है, अब बुक्स के अंदर भी है, बुक कहाँ है आपके? नहीं प्रोग्राम में भी है, नहीं है, प्रोग्राम में है भाई, दोनों की किताब में है, ऑनर्स में भी प्रोग्राम में भी, जिन बच्चों को विजिबिलिटी नहीं है देख लें, ठीक है। अब सर ओपनिंग डेटर था, ओपनिंग स्टॉक था, इसके बाद और भी कोई ऐसा बैलेंस नजर नहीं आ रहा कि एसेट्स का पार्ट हो, तो अब सिंपल सी बात है हम इस टोटल कर लेंगे इसको, और टोटल कितना हो गया हमारा? 24,500। अब कहता है गुड सेंट, कितने का है गुड सेंट? 40,000। अब इसके बाद आगे फर्दर,
कहता है गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई कौन है? हेड ऑफिस। और दिया किसको है? दिल्ली को। तो भाई गुड्स सेंट ही हुआ ना। रिसीव कहता है कि ब्रांच कहता है भैया मुझे गुड्स मिला है, यही कहेगा ना। तो वही आपका ना कहने का थोड़ा सा क्या करा उन्होंने, वर्डिंग चेंज कर दिया, बात वही है, ध्यान देना ठीक है। तो गुड्स सेंट कितने का कर दिया सर? 40,000। कैश सेल्स कहता है तो रेमिटेंस में आ जाएगा, कैश सेल्स 16,000। इसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर 29,000। इसके बाद आगे कहता है गुड्स रिटर्न टू एचओ बाय में आएगा, ₹2,000। इसके बाद क्या कहता है ये, कैश रिसीव फॉर एक्सपेंस 14,500। तो सर यहां पे लिख देंगे टू एक्सपेंस। अब एक बात बताइए, मैंने कहा था जब ब्रांच पेमेंट करेगा तो यहां नहीं आएगा, हेड ऑफिस पेमेंट करेगा तो यहां आएगा। इस सवाल में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट किसने किया है, नहीं लिखा हुआ इस सवाल में। तो आप मान के चलोगे हेड ऑफिस दे रहा है खर्चा, प्रायोरिटी हम ये लेके चलेंगे ठीक है। इसके बाद कहता है स्टॉक एट द एंड, तो बाय साइड क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या क्या है? स्टॉक है कितने का है सर? 15,000। इसके बाद डेटर कितने हैं? 22,500। टोटल बताइए, यहां तक समझ में आया? मैंने कहा था एक बड़ी सीधी सी बात है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, एक जवाब देना मुझे, ये ट्रेडिंग अकाउंट है ठीक है। इधर भी मैंने लिखा सेल्स और इधर भी मैं लिखूं सेल्स, तो क्या प्रॉफिट निकालना पॉसिबल है? नहीं, दोनों नंबर है। तब तक प्रॉफिट नहीं आ सकता एक तरफ सेल्स हो और एक तरफ कॉस्ट हो यानी परचेज हो। तो हेड ऑफिस ने बोला भैया जितने भी सामान है ना यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब सेलिंग प्राइस पे। बोला भैया सेलिंग प्राइस पे, तो सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे समझ में आता है, वो तो सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए, लेकिन सर स्टॉक भी सेलिंग प्राइस पे है, गुड्स सेंट भी सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता यहां से। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा कॉस्ट। कॉस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है उसके दूसरी साइड लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं लोडिंग या फिर स्टॉक रिजर्व, जिसको बोलेंगे लोडिंग या फिर स्टॉक रिजर्व। तो सबसे पहले किस किस चीजों पे ऐसा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है उसका लिस्ट मैंने पहले ही लिखवा दिया, आप लोगों ने क्लास लिया नहीं लेकिन मैंने पहले ही लिखवा दिया कि किस किस चीजों पे एग्जामिनर प्रॉफिट जोड़ के बताएगा। तो लिस्ट ये है हमारा, सर गुड सेंट के ऊपर प्रॉफिट जोड़ के बताता है। तो भैया गुड सेंट कहाँ आता है? डेबिट में। इसका प्रॉफिट हटाने के लिए हमें क्रेडिट में वैल्यू डालना होगा, और क्रेडिट में क्या डालेंगे? सिर्फ प्रॉफिट वाला हिस्सा। ऐसे ओपनिंग स्टॉक पे होगा, क्लोजिंग पे, रिटर्न टू एचओ, एबनॉर्मल, ये सब मैंने बता दिया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो कितना होगा? वो होगा हमारा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के एक तो इसके ऊपर प्रॉफिट होगा, आपको पता करना है प्रॉफिट किस किस पे, एक तो और एक, और इधर से आ जाते हैं एक और एक, तो इसका प्रॉफिट इधर लिख दें हम, और किस नाम से लिखेंगे? बाय स्टॉक रिजर्व। किस नाम से लिखेंगे? बाय स्टॉक रिजर्व। अब इसका सर जो भी स्टॉक गिवन है ना, बाय स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, और जो भी स्टॉक गिवन है ना, और उस स्टॉक के ऊपर, हालांकि सेल्स प्लस कितना कहता था? 20। सेल्स प्लस कितना कह रहा है ये? कॉस्ट प्लस कितना कह रहा है? 25। तो सेल्स के ऊपर कितना होगा? सिंपल सी बात है, सेल्स पे कितना होगा? 20। तो हम सीधा इसका 20% निकाल ले तो ये बनता है, समझे? या तो आप वो वाला कैलकुलेशन करिए, इस पे मुझे बता दीजिए कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो सर कॉस्ट के ऊपर 25 है तो सेल्स के ऊपर कुछ और ही परसेंटेज होगा, तो सीधा निकाल दिया, समझ रहे हो बात मैं क्या कर रहा हूं ये? ठीक है, सेम ऐसे इसके ऊपर भी कितना निकाल दें हम, बाय साइड में लिखेंगे स्टॉक रिजर्व,
और किस पे है ये? गुड सेंट पे। और कितना आ जाएगा? 40 का 20%। कई बार बुक में कर देते हैं लेकिन हम अलग अलग करके चलेंगे। बुक में सीधा स्टॉक रिजर्व टोटल करके दिखा देते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत कंफ्यूजन होगी। ऐसे तो पता तो है इसके ऊपर निकाला, इसके ऊपर निकाला। इधर से किस पे निकालेंगे? रिटर्न पे। 2000 पे कितने? 20%। 2000 पे 20% किस पे होगा? 2। कौन सा है हमारा? कौन सा है हमारा? ये रिटर्न रिजर्व। और इसी को एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इसी को? लोडिंग। इसी को लोडिंग कहते हैं, रिजर्व। किस पे है सर? रिटर्न पे। कितना है सर? 800। इसके बाद फिर से निकालेंगे रिजर्व। हाँ 400 आएगा, अभी 20% है ना, ठीक है 400 आएगा, 400। और फिर दूसरे पे देखें रिजर्व। रिजर्व क्या है? किसके ऊपर निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक पे। कितने? 20%। यानी अभी यहां से फाइनल हमारा सब कुछ हो चुका है। अब निकाल दीजिए टोटल करके जो निकालते हैं, ये कितना आ रहा है? नहीं इसका टोटल बताओगे ना, एक एक करके करेंगे ना। ये नहीं, पहले ये बताओ मेरे को, अब इसका टोटल बताओ कितना बताया इसका टोटल? 95। और इधर भी, और क्या आएगा बताइए, कितने आएंगे? 1300। ये क्या आ गया आंसर, जो कि एग्जामिनर को मैं बताना था। चेक करिए बुक में, समझ में आया? तो आप देखेंगे ना, तो पिछले सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क ही नहीं है सर। बस लोडिंग यानी प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के उसके दूसरे साइड रखना है, बाकी बात खत्म, समझे? और आने वाले सभी सवाल में ये यूज होगा, जितने भी सवाल होंगे सभी में यूज होगा सर।